नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बीबीसी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बताया है कि गुरुवार 13 अप्रैल यानी कि आज उसने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है। इस साल फरवरी 2023 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली के बीबीसी दफ्तर में छापेमारी की थी और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की थी। आयकर विभाग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए ये बात कही थी, बताई थी कि वो एफडीआई उल्लंघन के एक मामले में बीबीसी की जांच करेंगे। इसी सिलसिले में आज ईडी ने बीबीसी पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन कानून यानी कि फेमा फंडिंग इररेगुलरिटीज के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने फेमा के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों को संस्थान से जुड़े दस्तावेज और बयान दर्ज कराने को भी कहा है। हालांकि खबर जब हम आपको बता रहे हैं तब तक बीबीसी ने इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया, उनका कोई रिएक्शन अब तक नहीं दिया है। आयकर विभाग ने इसी साल बीबीसी के दिल्ली के साथ साथ मुंबई दफ्तरों पर भी तलाशी ली थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी और आयकर अधिकारियों ने कहा था कि बीबीसी समूह जो बीबीसी ग्रुप है उसकी अलग अलग संस्थाओं की तरफ से दिखाई गई आय और लाभ में भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे। इस वजह से आज उन पर एक बार फिर से ईडी ने रेड डाली है। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि बीबीसी इंडिया की तरफ से कर का भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि जो टैक्स भरने थे बीबीसी को वो टैक्स बीबीसी ने नहीं भरे। आगे बीबीसी अपनी सफाई में क्या कहता है, इससे जुड़ी ताजा जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।